अस्सलाम वालेकुम। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, राइट। बट ये वीडियो आज इस चीज के लिए नहीं बना रही मैं कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। कल मेरे साथ जो हुआ, आज मुझे आप लोग को ये सब कुछ इसलिए बताना है क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप लोग अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बेटी, किसी एक औरत को भी घर से सेव बाहर भेज सकते हैं अपने मुल्क में रह के प्राउडली? टेल मी। नहीं, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू कि नहीं भेज सकते आप लोग। पता उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोग को पता है ये 14 अगस्त बना के, मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप लोग में से जो दिल से ये झंडे उड़ाते हैं और ये बाइकों में घूम के ये झंडियाँ उड़ाना, ये कौमी तराने लगाना, ये पेट्रियाटिक सॉन्ग्स लगाना और ये दिल दिल पाकिस्तान सुनना कितना दिल से करते हैं आप लोग, मैं जानना चाहती हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। मैं कल डिफेंस में रमादा क्रीक के सामने खड़ी हुई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। तीन आदमी आए। आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। तीन आदमी आए, उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे, मेरे हाथ में मोबाइल थे, मेरे शोल्डर पे मेरे बैग्स थे, मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, वो सिर्फ रश की वजह से फंसे हुए थे और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और वो मुझसे पहुंच नहीं पा रहे थे और मैं सिर्फ इसलिए आगे होके खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और वो मेरे लिए रहमत वाली बारिश क्यों रही? क्योंकि मैं अपने आप को कैसे बचा पाई? वो आदमी, उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ, उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखें मारना शुरू की। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। मैंने अपनी प्रोटेक्शन खुद की, मेरे पांव पे जोर से लगा, मैंने बाइक को धक्का दिया, उसके हाथ पे लोडेड गन थी और मैं भागी हूं और वो पीछे से गोली मुझे मार सकता था या मेरे पेट पे गोली मार सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को खुद बचाया। जैसे ही मेरी चीखें सबने सुनी, मैं चलती गाड़ी के आगे आई, उनको रुकवाया मैंने और उस फैमिली ने मुझे बचाया। वो गाड़ी से उतरे, रमादा की पूरी टीम बाहर आई, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और वो मुझे अंदर लेके गए। मैं विक्टिम हूं उस चीज का। कैसे बोलूं कि मैं टैक्स पेयर हूं? मैं एक एक्ट्रेस हूं, एक टैक्स पेयर हूं। मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूं। मैं किस वजह से टैक्स देती हूं? मैं अपने लिए उन टैक्स के पैसे बचा के 4 गार्ड रख लूं, इससे बेहतर तो। मैं पता, हमेशा हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये कौन से शशके हैं, ये कौन से लोग हैं जो अपने डाले, अपनी गाड़ी के पीछे डाला लेके 4-4 गार्ड्स बिठा के लेके घूमते हैं। नो वंडर क्यों घूमते हैं, नो वंडर के हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके क्यों सेटल होते हैं, नो वंडर के क्योंकि हमें प्रोटेक्शन ही नहीं है। क्यों आप लोग इस बात पे ये इश्यू उठाते हैं कि ये आपके गाड़ी के शीशे टिंटेड क्यों हैं? अगर इतनी ही परवाह है, इतनी ही आपको बुरी लग रही है, तो आप लोग सिक्योरिटी दो हमें, आप लोग सिक्योरिटी दो हमें कि हम ये टिंटेड ग्लासेस ना लगा के घूमें। मेरी दोस्त की दोस्त के साथ हुआ है ये। उस लड़की को किडनैप किया है और आज तक वो लड़की मिल नहीं पाई, अभी तक नहीं मिल पा रही, उसका फोन, उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं मिल पा रही और वो इस्लामाबाद में किडनैप हुई और वो नहीं मिल पा रही। मेरे साथ वो कल होने वाला था। किस वजह से आप लोग, किस वजह से ये रोडों पे रश और ये
हम अभी देखिएगा पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ होगा, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, चौ झंडे को साथ यू प्राउडली तस्वीर लगाना। बींग अ मुस्लिम आई कैन से प्राउडली दैट आई एम अ मुस्लिम, लेकिन बींग अ पाकिस्तानी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। आई हैव नो वर्ड्स, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट कल जो मैं बची हुई है मुझे पता है मैं कैसे बची हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, ना ये सिक्योरिटीज जो सामने बैठी हुई थी, ना ये जितनी यहाँ पर मोबाइल्स और जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक माँ बाप अपनी औलाद को खो देता और आप लोग क्या से अफसोस करते, चार दिन मेरी तस्वीरें पेजेस पे लग रही होती एंड दैट्स इट। आई एम अ विक्टिम, मुझे कल किडनैपिंग से मेरे अल्लाह ने और मैंने खुद ने बचाया। मेरे पेट पे गन रखी हुई थी और वो कभी भी चल सकती थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को कि ये रे वो, मैं सिर्फ उन लोग को, उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, जो जो समझती हैं कि नहीं वो कर लेंगी, वो कुछ नहीं कर सकेंगी उस टाइम पे जब वो हो रहा होगा, तो जो लोग हैं आप लोग प्लीज अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर आप ये प्राउडली कह सके जी हम मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करके गाड़ी खुद चला के निकलते हैं। पहले भी बोला था या तो लाशें मिलती हैं या तो सड़कों में ऐसी पड़ी हुई मिलती हैं। कल मैं ऐसे होने वाली थी और कल से जिस डिप्रेशन में मैं, जिस एंजाइटी में मैं हूं, जो मैं फेस कर रही हूं, इसे मुझे पता है, इसे मुझे पता है कि कल से मैं क्या फेस कर रही हूं। और मेरी फैमिली को, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि उसको लगा था कि उसने अपनी बेटी खो दी है। मैं चीखे मार रही थी क्योंकि मैं उस वक्त फोन पे थी, मैं चीखे मार रही थी और वो जो मेरे साथ फोन पे थे वो मेरी चीखों से पागल हो रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई नहीं बचा सका उस टाइम पे, खुद ने बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। चौदह अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड थैंक यू पाकिस्तान कि हमें हमें ये फील करवाने के लिए कि हम अपने मुल्क में जिस पे हमें फख्र करना चाहिए वहां हम ये सेफ फील नहीं कर सकते। सिर्फ ये वेट नहीं कर सकते कि फैमिली गाड़ी लेकर आ रही है दो मिनट के लिए, हम वेट कर ले उनके लिए खड़े होके, वरना आज आपकी निम्रईस ये वीडियो नहीं बना रही होती। आज आज सिर्फ अखबारों में और पेजेस पर तस्वीरें लग रही होती मेरी। आई वॉज अबाउट टू डाई, उन्होंने मेरे पेट पे गन रख के मुझे वो लोग खींच के लेके जाने वाले थे, जो मैंने धक्का दिया और मैं बची हूँ। तीन आदमी थे वो जगह जगह खड़े हुए, आई डोंट नो व्हाट टू से, प्लीज बी सेफ, प्लीज बी सेफ। 14 अगस्त में निकल के बहुत हादसे होते हैं, प्लीज घर पे बैठे और सुकून से बस घर पे बैठे बस।